प्रदेश में अब कॉलेज शिक्षा को लेकर के आंदोलन जारी है, जहां एनएसयूआई ने बिना परीक्षा के ही छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश देने की मांग रखी और आज उन्होंने इस बात को लेकर के एक सांकेतिक धरना दिया। जाम लगाया हाईवे पर रामनिवास कुकणा के नेतृत्व में यह जाम लगाया गया। बड़ी संख्या में छात्र इसमें मौजूद रहे। दिखाते हैं आपको कि क्या मांग है यहाँ के छात्रों की, और वे लगातार बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। हमने सांकेतिक जाम पर बैठे रामनिवास कुकणा से की बात। अभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करना उनके जीवन को खतरे में डालने वाली बात है, जिसको लेकर एनएसयू बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे देश एवं प्रदेश के अंदर बिना परीक्षा आयोजित किए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को जनरल प्रमोट करने और अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को प्रथम और द्वितीय वर्ष के अंदर औसत निकालकर उनमें 10% की अतिरिक्त वृद्धि करके अगली कक्षा में प्रवेश देने की मांग को लेकर वर्तमान सत्र की फीस माफ की जाए, जो हॉस्टल्स और कमरे के किराए हैं वो विद्यार्थियों के माफ किए जाएं, इन मांगों को लेकर आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है और हम राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस वर्तमान समय के अंदर परीक्षाओं को अगर आयोजित किया जाता है तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के जीवन को खतरे में डालने वाली बात है, इसलिए विद्यार्थियों को जीवन को बचाने के लिए वही हमने डूंगर महाविद्यालय के अध्यक्ष से भी की बातचीत। छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया है, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से और हमारे युवा साथियों सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमारी मदद करें, और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला लेकर छात्रों को एक नई एक पहल करें।